ईवीएम को लेकर छिड़ी जंग में जब चुनाव आयोग ने पार्टियों को खुली चुनौती दी तो जोर शोर से ईवीएम की विश्वसनीयता को सवालों के कटघरे में खड़ा करने वाली आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने कदम पीछे खींच लिए। ईवीएम के मदरबोर्ड को बदलने का बहाना देकर आप तो मैदान से भाग निकली, साथ ही बसपा, कांग्रेस, सपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन सिर्फ शरद पवार की एनसीपी और माकपा ने आयोग की चुनौती को स्वीकार किया। इस चैलेंज में भाग लेने के लिए नाम भेजने की अंतिम तारीख शुक्रवार थी। आयोग ने 3 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ईवीएम में छेड़छाड़ साबित करने का कार्यक्रम तय किया है। एनसीपी ने अपने 3 प्रतिनिधियों को ईवीएम चैलेंज में भाग लेने के लिए नामित किया है। पार्टी ने चुनाव आयोग के चैलेंज के लिए बनाए गए फ्रेमवर्क के तहत किसी खास ईवीएम को नहीं चुना है, बल्कि इसका फैसला चुनाव आयोग पर ही छोड़ दिया है। जबकि देर शाम आयोग ने कहा कि माकपा दूसरी पार्टी है जिसने ईवीएम हैक करने की चुनौती को स्वीकार किया। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद तमाम विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसमें सबसे पहले आपने विधानसभा में ईवीएम को हैक करके भी दिखाया था। साथ ही कांग्रेस ने भी पत्र दाखिल कर दिया था, लेकिन जब चुनाव आयोग ने चुनौती दी तो सब पीछे हट गए। सपा, बसपा, कांग्रेस और आप से लेकर सभी दिग्गजों ने तो चुनाव आयोग की चुनौती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ईवीएम की परीक्षा में भाग लेने के लिए एनसीपी और माकपा ने हामी भरी है। तो देखना होगा कि ये दोनों पार्टियां परीक्षा पास कर पाती हैं या नहीं। देखते रहिए डीबी लाइव।